अज असी पहला तुसी देखोगे मेरे चैनल उत्ते पहला पंजाबी च व्लॉग बनाया ड्रोन दे नाल। ते ये ड्रोन है जी एयर टू एस, ठीक है, और असी तकरीबन अद्धा घंटे इन फ्लाई किया और बाकी ये डाटा ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो बाकी फिर इनकी वीडियो तुम इसे व्लॉग के ऐड करा जो तुम बाद दे सकते हो, ठीक है। ये थले कैमरा सेंसर है, हजे भी इनका फैन ऑन है, कूलिंग कर रहा है, कूलिंग कर रहा है, फैन जो इनकी कूलिंग कर रहा है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर नसील लाइफ 360। आज मैं एक जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे जाके मैंने अभी अपना जो है दोस्त के साथ एक ड्रोन टेस्ट करना है। तो ड्रोन टेस्टिंग के लिए अभी मैं जा रहा हूँ एक पार्क के अंदर, वहाँ पे वो ड्रोन लेके आएगा अपना और फिर उस ड्रोन को टेस्ट करते हैं। क्योंकि ड्रोन के अंदर टेस्ट हमने ये करना है, क्योंकि मैं उसके पास है DJI Air 2S और मैं जो लेना चाह रहा हूँ वो है मिनी थ्री प्रो इस नाम से है। उसके साथ वो स्क्रीन वाला कंट्रोलर आ रहा है, तो मैं वो बाय करना चाह रहा हूँ। और लेकिन आज दोनों में कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ कि कौन सा बेहतर है। 2S के अंदर कैमरा बेहतर है, लेकिन जो 3 प्रो है उसके अंदर जो है वो सोशल मीडिया के लिए वर्टिकल वीडियो बना सकता है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है, तो लेकिन वो आज चेक करेंगे और आप मेरे साथ वीडियो के अंदर देखते रहें। तो अभी मैं एक पार्क में जा रहा हूँ ब्लैक टाउन के अंदर, तो वहाँ पे हम ड्रोन की जो है वो टेस्ट ड्राइव लेंगे और फिर देखते हैं कि वो टेस्ट फ्लाइट लेंगे एक्चुअली, तो वो कैसी जाती है। तो फिर उसके बाद उसको डिसाइड करने के बाय करने का कि कौन सा ड्रोन मैं बाय करने वाला हूँ। तो यहाँ से अभी मुझे तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव है, बस मैं अभी निकलने लगा हूँ यहाँ से। ये सामान है मेरे पास बैग में अपना, मैंने वो 360 कैमरा भी रख लिया है कि वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ले ली जाएंगी थोड़ी। और गाड़ी बहुत गर्म है अंदर से, लेकिन अब क्या करते हैं, अभी ऑन करते हैं इसको, इसका एसी ऑन हो जाएगा तो फिर बेहतर हो जाएगा। शीशे भी खोल देते हैं। A few moments later. ये ले जी, मैं पहुँच गया हूँ बल्कि, है जी मैं पहुँच गया हूँ जी ब्लैक टाउन पार्क में। ये है जी गैरी सिंह। तो गैरी सिंह आज हमें ड्रोन की जो है वो बताएंगे कि ड्रोन के क्या फ़ायदे हैं और किस तरह इसको उड़ाते हैं जी। कैसे उड़ना आपने है जी, कैसे उड़ना है, क्या बात। तो इधर किधर जा रहे हैं आपा? कहते मैं इधर तो लोकेशन रेली वजी जी, लोकेशन इधर जाना पड़ेगा खड़के ना खड़के। सिर्फ अपना स्टैंड हो जाए, गड्डियों के कोल खड़े हो जाइए फिर। नहीं फिर मैं अभी ब्लैक टाउन जो है ये पार्क में पहुंचा हूं, तो यहां पे माहौल देख ऐसी लग रहा है कि मैं जो है ना शायद किसी इंडिया के किसी शहर में आ गया हूं। तो यहां पे हर तरफ आपको जो लोग नज़र आ रहे हैं, ये देखिए यहां पे पंजाबी जो हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं। वहां पे मैंने देखा है कि बड़ा अच्छा सीन है, वहाँ पर काफ़ी जो पंजाबी जो है ना अंकल्स वो मिल के बैठे हुए हैं, जैसे गाँव में लोग बैठते हैं पंचायत में, और उस तरह जो है ना वो बड़ा उन्होंने माहौल बनाया हुआ है। ये हम मेरा फ़ोन चार्ज है, ये मेरा व्लॉगिंग का सेटअप है। ये जनाब अभी ड्रोन हम निकाल रहे हैं, ये ड्रोन है जी DJI का एयर, है जी बैटरी भी फुल है। ये देखें जी, ये है ड्रोन और ये इसका कंट्रोलर है, और ये देखें ये इसके ऊपर ये लिखा हुआ जो मैं जो बता रहा था जनाब कि ये है वो चीज़ ADS-B एयर सेंस, आई थिंक दैट्स द पता कि इंपॉर्टेंट है स्टॉप इट फ्लाइंग इन नो फ्लाइंग जोन। हाँ जो अपना आप बड़ा जरूरी है आ तारना भुलने आगे भी लोग ज़्यादा तारना भुलन देना है तो फिर ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। नहीं मज़ा नहीं आएगा, ये खराब कर देगा लेंस में, लेंस मूव करेगा नहीं करेगा। हाँ तो वो अपनी मूव करने की कोशिश करके टूटना जा सकते हैं कुछ कहते हैं ना कुछ। ओके So, आप इसके साथ साथ ट्यूटोरियल भी देख रहे हैं कैसे ड्रोन को देखते हैं जी। तो कैमरा विल एडजस्ट इटसेल्फ अपने जो जो कनेक्ट होगा ना कैमरा ने एकदम अपना एडजस्ट होना है, टाइट होना, मुंह नहीं होगा फिर। ठीक है जी, तुम्हारे को फ्लाइंग वो नहीं है एंड दोबारा हां जी ऑन करने वास्ते सिर्फ क्लिक कर क्लिक करना ऑन हो जाएगा। ऑफ करना है दबा के होल्ड रखना है होल्ड ऑफ हो जाएगा ऑन। तीन मोड है ना, सिनेमैटिक मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड। सिनेमैटिक मोड बहुत स्लो चलेगा ये, व्हेन यू मूव इट स्क्रॉल इट टॉगल इट विल स्लोली मूव ताकि सिनेमैटिक वीडियो दे सके, ताकि मोर स्मूथर वीडियो आएगी, स्मूथ वीडियो आएगी। ठीक है ना, ठीक है। नॉर्मल मोड तो बैलेंस करेगा दोनों, ठीक है।
स्पोर्ट्स मोड ते बहुत फास्ट हो जाएगा लाइक सेंसिटिविटी बहुत बढ़ेगी दी स्पीड तेज है स्पीड बहुत देगी लेकिन ठीक है सो एंड स्पोर्ट्स मोड इज की होता है स्पोर्ट्स मोड इज जेड होती है ना डिटेक्शन ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन वो बंद होती है ठीक है स्पोर्ट्स मोड इज ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्ट करेगा अगर ट्री आगे बज जाएगा इस बार स्पोर्ट्स मोड इज नॉट सेफ फॉर अस स्पेशली जड़ा न्यू फ्लाइट वाला बंदा डू इन नॉर्मल मोड ठीक है देन अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਜੇ ਇਹ ਬਟਨ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੈਮਰਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਮਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਲੌਗ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਯਾਰ ਓਕੇ ਜੀ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਟਨ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਅਸਾਈਨ ਵਾਟਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਬਟਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਕਰਾਂ ਇਹ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਹੋਮ ओके एक्चुअली क्या है ड्रोन इज एनीवेयर यू क्लिक इट एंड ड्रोन विल कम बैक टू यू वेयर यू आर ठीक है बाकी ये बटन है फोटो खींचने वास्ते ठीक है रिपोर्ट करने वास्ते हां बटन है जेड़ा आ लेंस है ना आगे लेंस में करता है ओथे खड़ गई अच्छा लेंस नु ऊपर थल्ले में लेंस सीधा नहीं कर वर्टिकल नहीं कर सकता वर्टिकल नु वर्टिकल जाएगा थल्ले ऊपर अच्छा सी ठीक है लाइक दिस ठीक हो गया ठीक है ठीक है जेड़ा आ बटन है आ ऊपर थल्ले ठीक है हाइट हाइट थल्ले इधर ठीक है आ ड्रोन मूव नहीं करता मैं उधर खड़ा रहेगा ड्रोन अच्छा ड्रोन की जगह डिस्प्लेस नहीं करेगा नहीं सोचो डिस्प्ले करेगा लेकिन ड्रोन घुमाएगा नहीं मतलब एवं नहीं घुमाएगा उधर ना अगर ये ऐसे ड्रोन खड़ा है ठीक है ड्रोन ऊपर करेगा ऊपर चलेगा थल्ले चलेगा लेकिन रहेगा ऐसे ऐसे यानी कि वर्टिकल लाइन के बीच रहेगा ठीक है अगर इधर इधर उधर नहीं जाएगा ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा अच्छा इधर ना इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा आगे करोगे तो आगे जाएगा नहीं नहीं आगे करने आ है अच्छा आगे करने वास्ते दूसरे वाली साइड है पीछे करने वास्ते भी यही इधर ठीक है तो जब घुमाना ड्रोन को घुमाना है घुमाना है फिर आ है राइट एंड लेफ्ट ठीक है ठीक है ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੁਣ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਨ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋ ਖੁਦਵਾਰ ਕੋ ਇਹ ਇਹ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਮ ਰੈਡੀ ਟੂ ਫਲਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਐਪ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਆਪ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਰ ਅੱਛਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗਾਈਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਓਕੇ उस बार एच काफी कंट्रोल्स है करने जमे एच देखा गया ट्रांसमिशन कैमरा रखनी है स्मूथ रखनी है कि हाशिश रखनी है जो स्मूथ ताकि कनेक्टिविटी अच्छी रहे ठीक है तो उस तो बाद देखा गया मोड आ गया हाँ मोड आ गया इस तो बाद एक हो गया स्टोरेज कितनी रखनी है एसडी स्टोरेज 108 जीबी हाली अवेलेबल हैगी है मेमोरी अपनी एक होंगे है अपना सेफ्टी या ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਟੋ ਆ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਹੋਮ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਆ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਹੋਮ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 99 ਮੀਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰੋਨ ਥੱਲੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ 99 ਮੀਟਰ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਮ ਬੈਕ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਕਮ ਬੈਕ ਆਏਗਾ ਇਸ ਇਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੇਫਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ 199 ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 120 ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਲਿਮਿਟ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਅਪ ਟੂ ਲਾਈਕ 500 ਮੀਟਰ ਜਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਡੋਨਟ ਟੂ ਗੋ ਬਟ ਯੂ ਸਪ ਟੂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਐਨੀਵੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨੋ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦੋ ਨੋ ਲਿਮਿਟ ਨਾ ਅਪ ਜੋ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 8000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ 8000 ਮੀਟਰਸ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਬੇਸਿਕ ਸਟਫ ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ ਬ੍ਰੋ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਬੈਟਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦ ਆਪਾਂ ਡਾਣਾ ਨਾ ਆ ਬਟਨ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਲਡ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਔਰ ਟੇਕ ਆਫ ਆ ਜਾਏ ਹੋਲਡ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਸੋ ਨਾਓ ਦ ਅਬ ਕੋ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕੰਪਲੀਟ
लग गया उधर लग गया ना पर हूँ ठीक है उधर लग रहा लेकिन उठ गया है। अच्छा हूँ मैं ये देखना चाहना जब उत्ते नहीं जाना तुम एन उपर ले जा रहे हो पिछे ड्रोन इज कमिंग बैक मे बी यू कैन सी ड्रोन जो है वापस आ रहा है अभी ये देखिए जी रिटर्न होम क्लिक किया है उसके बाद नीचे आ गया वाह ये गैरी सिंह ने कैच कर लिया ड्रोन जी जनाब ये जो पहला हमने बनाया हाँ ये अभी हम चेक करने लगे हैं कि इस ड्रोन के साथ जो है ये अगर हमने रील्स बनानी हो या फेसबुक या टिकटॉक के लिए अगर वीडियोस बनानी हो तो वो उससे बना सकते हैं कि नहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि ये उसके जो हमें वर्टिकली कैमरे के अंदर लेके आता है कि नहीं लेके आता बस ऐसा हाइट रखो ना प्रॉपर ताकि वर्टिकली लेके आता है या नहीं आता तो साथ में ये मैं व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ और साथ में आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें ये मेरे करीब आ रहा है कैमरा काफ़ी लेकिन इसके बाद इसको देखेंगे कि जो है क्या इससे वाकई ही हम वो शॉट्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते और मैं इसके साथ साथ अगर मूव भी करूं तो वो देखना है कि क्या इससे अच्छी वीडियोस बन सकती हैं अगर आप मूव करते जाएं पीछे मूव करो जी पीछे नू अगर मैं ऐसा ऐसा नहीं तेज़ नहीं थोड़ा स्लो स्लो सो दैट अगर हम इससे रील बनाना चाहें तो हमें इससे जो है बिल्कुल अगर हम बो रहे हैं मिडिल के दरमियान तो चेक करेंगे कि इससे बन सकता है ये रील नहीं बन सकता तुसी ये चेक कर 2000 years later ये है जी पेटू रेस्टोरेंट्स कोफील्ड के अंदर यहाँ पे अभी हम ये खा रहे हैं डोसा ये कौन सा डोसा है जी इसका नाम क्या था चेक करो चिकन डोसा और ये देखिए कितनी प्यारी इसकी प्रेजेंटेशन है अच्छा जी अभी हम इसको खाएंगे
こういうことを2ヶ月前高校に入るまで俺は知らなかった。そう、今が一番幸せかもしれない。